नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका की सीरीज जैसे ही खत्म हुई, कल विराट कोहली ने सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस कर दिया कि वो टेस्ट कैप्टेंसी से स्टेप डाउन हो रहे हैं, मीन्स कि वो टेस्ट कप्तानी छोड़ रहे हैं। दोस्तों, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि विराट कोहली क्या BCCI से नाराज थे, क्या विराट कोहली का ये व्यक्तिगत फैसला है। दोस्तों, इसमें तरह तरह के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और जो पूर्व खिलाड़ी हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कोई इस बयान से हैरान है तो कोई इस नाराज से हैरान नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि विराट कोहली ने आखिर कप्तानी छोड़ी क्यों, आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि विराट कोहली ने अचानक सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया कि वो टेस्ट कप्तानी छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटे वाली बेल को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। विराट कोहली ने बतौर टेस्ट कप्तान करियर को विराम देने का फैसला लिया है। शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए विराट कोहली ने यह घोषणा की कि अब वो तीनों फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज ही भारतीय टीम के लिए खेलते दिखाई देंगे। अब विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने पर BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले कैसे BCCI और विराट कोहली के बीच कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो दोस्तों, गांगुली ने ट्वीट किया कि विराट की लीडरशिप भारतीय क्रिकेट ने खेल के सभी प्रारूपों में तेजी से प्रगति की है। उनका निर्णय व्यक्तित्व है और BCCI इसका बहुत सम्मान करती है। वह भविष्य में इस टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। एक महान खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया, विराट। और दोस्तों, अब विराट का तो ये व्यक्तिगत फैसला हो गया कि उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी, लेकिन दोस्तों उनके बाद टीम इंडिया का जो है नया कप्तान कौन होगा, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा संकट आ गया है BCCI के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अनिल कुंबले या महेंद्र सिंह धोनी की तरह विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद भी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिस पर यह जिम्मेदारी लंबे वक्त के लिए सौंपी जा सकती हो। हालांकि टीम में इस वक्त कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस रेस में जरूर हैं, लेकिन बोर्ड और चयनकर्ताओं को टेस्ट चैंपियनशिप के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी तो ध्यान में रखना होगा। और टेस्ट की कप्तानी के लिए कौन कौन उम्मीदवार हैं, इसके पक्ष ये समक्ष चीज़ें जा रही हैं, तो आइए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें तीन ही नाम आ रहे हैं। पहला तो रोहित शर्मा, KL राहुल और ऋषभ पंत। तो ऐसा दोस्तों, रोहित शर्मा की अगर बात कर ली जाए तो हाल ही में T20 और वनडे टीम के कप्तान बने रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में भी उपकप्तान बनाया गया था। ऐसे में दोस्तों कहा यही जा सकता है कि कप्तान के साथ साथ उपकप्तान भी की भी जिम्मेदारी वही संभाल सकते हैं। रोहित शर्मा के पक्ष में इसके साथ बतौर कप्तान का रिकॉर्ड भी जाता है। पिछले साल दो साल में बतौर टेस्ट प्लेयर में उनका जितना बदलाव आया है वो शानदार रहा है। और दोस्तों, वैसे तो BCCI KL राहुल को भी अप्रोच कर रही है कि फुल टाइम कैप्टन बना दी जाए, लेकिन दोस्तों मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर टेस्ट की कप्तानी देनी है तो ऋषभ पंत को दी जाए, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा की भी एक उम्र हो गई है, आने वाले 4 से 5 साल में उनका करियर खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में एक लॉन्ग टाइम अगर कैप्टन की बात की जाए तो आई थिंक ऋषभ पंत का तो बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आपका इसमें क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।